मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी है नाशा, सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद। यार मोर देन 14 आवर्स। ओहो, क्योंकि तुम बहुत थक गई होगी है ना। और थोड़ा आराम करो। वेल, ये गुलाम है। शक्ल से तो नहीं लगते, हुलिया से तो लगते हैं। अरे भाई, मेरा मतलब ये है कि ये मेरे शौहर हैं, इनका नाम गुलाम है। ओहो, तो आप हैं गुलाम। आप तो मेरी उम्मीदों से कहीं ज्यादा हैंडसम हैं। आंटी, वो कनाडा में डॉक्टर्स नहीं है क्या? क्यों, क्यों नहीं होते? हाँ, तो फिर आपने अपनी आंखों का इलाज क्यों नहीं करवाया? पहली बात तो ये कि मुझे कोई आंटी ना बुलाए, इसलिए कि I'm still unmarried। आपको आंटी ना बुलाए तो क्या बुलाए आंटी? मेरा नाम नाजिया है, और प्यार से मुझे नाजो कहते हैं। आप अभी तक कमा रही हैं? जी, क्या करूं, कोई आप जैसा ख्याल करने वाला मिला ही नहीं। अरे नाजो, अभी तक तुम्हारी मजाक करने की आदत गई नहीं। नाजो जी, किसी भी चीज की जरूरत हो आपको मुझे आवाज दे लीजिए। फिलहाल नाजो को आराम की जरूरत है। जी जी जी, जी। आइए, मैं आपको कमरे तक छोड़ा हूँ। गुलाम, मम्मी जी, मैं छोड़ा दूँ। आइए नाजो जी, आराम करो। ओके, थैंक यू सो मच। गुलाम, नहीं कुछ, मैं वो बैग देख रहा था। तो आप हैं गुलाम, आप तो मेरी उम्मीद से ज्यादा हैंडसम निकले। हाँ, क्या करूं, कोई आप जैसा ख्याल करने वाला मिला ही नहीं। अरे गुलाम बेगम, कहाँ खोए हुए हो? अरे जलाल, अरे मेरा दोस्त जलाल उद्दीन अकबर। अरे क्या बात है यार, अरे वाह वाह वाह। बैग बैग बैग। अरे कब पहुंचे भाई आए? बस अभी अभी पहुंचा हूँ पाकिस्तान बिजनेस ट्रिप पे, दो दिन के लिए। भाई सोचा कि तुमसे मुलाकात हो जाए। यार बहुत चाहिए। अच्छा बात सुनो, चाय पिए बगैर जाने लगूंगा तुम्हें। तुमसे किसने कहा कि मैं चाय पी के जाऊंगा? भाई जो भी कह लो, कोई बहाना नहीं चलेगा, चाय पियो और जा मर जाओ। अरे नहीं 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 नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं तो अपने प्यारे दोस्त के घर रुकूंगा। अबे तेरे भाई का घर है, काहे की टेंशन ले रहा है, भाभी क्या कहेंगी भाई? वे गुलामे बेगम, क्या बात है, बहुत बहादुर हो गए हो। क्या मतलब? अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। तेरी मजाक करने की आदत अभी तक गई नहीं, और तुम्हारी बनेगी। अरे यार, अब जलाल बिल्कुल। अंकल अंकल, आपके लिए गर्मा गर्म चाय। थैंक यू बेटा। वो अंकल, आप ना अमेरिका के बारे में कुछ बताएं। कुछ भी नहीं है कद्दू बेटा। कद्दू नहीं, लड्डू। लड्डू, सॉरी बेटा, लड्डू। वो दरअसल बेटा, वहाँ जो ना मस्नूई लाइफ है, असल हुस्न तो यहाँ है, नेचुरल ब्यूटी। हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि मैं दूसरी शादी कर लूँ। ओ भाई, अभी बीवी के बगैर मुझे पानी नहीं पीता, ये कह रहा है दूसरी शादी। गुलाबे बेगम, तुम्हारा दोस्त जो ठहरा, वैसे मैं चाहूँ ना तो दूसरी शादी कर सकता हूँ, ये मेरा हक है। हाँ हक है, बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन लेकिन सिर्फ इस बात को सिर्फ सोच के देखो, सिर्फ सोचो कि अगर भाभी को ये बात पता चल गई तो क्या होगा। अबे तू भाभी से पूछे बगैर हलीम का ठेला नहीं लगा सकता। लेकिन ससुर जी, एक बात है, अगर शादी अंकल तो पाकिस्तान में कर रहे हैं, जब उनको वहां पता चलेगा तब की बात है ना। वाह वाह वाह, क्या बात है भाई, इसी बात पर मेरे लिए लड़की तलाश कर। लड़की? मेरा मतलब औरत, पक्की औरत, पक्की। अब इतनी पक्की औरत, मतलब इतनी उम्र रसीदा भी ना हो। मतलब लड़की भी नहीं चाहिए, औरत भी नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? अब भाई, मेरे लिए तुम कोई सिर्फ नाजुक तलाश करो। ये काम मैं आपका चुटकी बजाते कर सकता हूँ। तो वैसे जलाल, एक बात कहता हूँ तुझसे,
तू हलीम बनाना सीख ले। देख अगर भाभी ने घर से निकाला ना कोई तो हुनर होना चाहिए ना तेरे हाथ में। यार गुलाम है बेगम, तुम डरते बहुत है। ये तो है अंकल। सही नहीं कहा, तुम भी बहुत डरते हो। अरे सब छोड़िए, ये खा के देखिए और बताइए कैसा लगा आपको। आपने बनाया है तो अच्छा ही बनाया होगा। आपने ये नहीं बताया कि आप कनाडा में कहाँ? मैं कनाडा में ज्यादातर घर में ही रहती हूँ। अच्छी बात है, हम भी घर में रहते हैं। भाई जलाल साहब, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर तो कमाल का है। अरे भाई ये कमाल का नहीं, मेरा अपना है। रियली? लीजिए भाई, आप लोगों के लिए मीठा तैयार है। ये पहले ही जलाल सब इतनी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, फिर मीठे की कोई जरूरत नहीं है। हाँ भाई बिल्कुल, ये बात तो है। और वैसे भी हम लोगों ने इतना पेट भर के खा लिया कि अब मीठे की गुंजाइश ही नहीं है, बाद में खा लेंगे। फिर तो कैसा लगा? बहुत जबरदस्त, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा खाना बना। आपके हाथ में तो बहुत जायका है। जाइए पानी लेकर आइए। पानी जी। Yes, come in please. Assalamualaikum. Waalaikum assalam, Ghulam sahab. Nazar ji, ye gajar ka halwa maine khaas aapke liye banaya tha. God, ab aapne banaya hai to main try zarur karungi. Otherwise, maine aajkal thoda meethe ko avoid kar rahi hu. Ji ji ji. Wo koi aur cheez chahiye ho to mujhe bata dijiyega. Thank you so much. You're very kind, very nice. आप तो सबका इतना ख्याल रखते हैं। अरे क्या खाक, यहाँ तो डिवोर के मुतालबे खत्म नहीं होते। आई मस्ट से दैट तानी इज वेरी लकी, आप जैसे शोहर उससे मिला है। अरे आप जैसे शोहर के तो पांव धो धो कर पीने चाहिए। अरे एक आप हैं और एक हमारी बेगम है आपकी दोस्त, आप पांव धो धो के पी रही हैं और वो हमसे पांव दबवा दबवा के हमारा खून पी रही है। मेरा बस चले तो आपको अपने साथ कैनेडा ले जाऊँ। नहीं 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 नहीं, मैं आपके साथ कनाडा नहीं जा सकता। क्यों आखिर? क्योंकि कई साल पहले मेरा नाम इस घर की ECL में डाल दिया गया है। मैं नहीं जा सकता आपके साथ, मैं नहीं जा सकता आपके साथ। नहीं नहीं, ECL में नाम डाल दिया है। आप अकेली अच्छी नहीं लग रही। अच्छा जी, तो फिर आप कंपनी दे दीजिए। मैं भी आ गया, हम दोनों मिलके कंपनी देनी है। ग्रुप ऑफ कंपनीज नहीं। मैं तो इसलिए चला आया कि कहीं नाजो जी बोर ना हो जाए या आप बोर ना कर दें। नाजो जी आप बताएं कि आपको कैसी कंपनी? प्राइवेट, आई मीन प्राइवेट लिमिटेड। नाजो जी मैं आपको यहाँ कंपनी देने की बात कर रहा हूं। ओहो कंपनी देना, अपनी बीवी से बगैर पूछे एक ढेला भी किसी को नहीं दे सकता कंपनी। ये तेरी गलतफहमी है गुलाम जी। हाँ वो नाजो जी मैं ये मैं आपके लिए। ओह माय गॉड, इट इज सो ब्यूटीफुल एंड एक्सपेंसिव टू। अल्लाह, पूरे 24 कैरेट है, एक ग्रेड भी कम नहीं होगा, दो चार ज्यादा हो सकते हैं। आई एम श्योर रियली बहुत खूबसूरत है। नाजो जी हलवा कैसा लगा था आपको? नाजो जी अरे अब रहने भी दो, तुम ऐसा करो कि हमारे लिए एक कप कॉफी का। सिर्फ एक कप? नहीं हाँ वो मेरा मतलब कि एक एक कप अलग अलग। नाजो जी अब जाओ भी ना। जा रहा हूँ। जा वो नाजो जी मुझे आपका याद खाली अच्छा नहीं लगता। आप बहुत दिलचस्प आदमी हैं और मैं तो आपकी फैन हो गई हूँ। अरे भाई मैं तो आपको देखते ही आपका फैन हो गया था। आप बहुत दिलचस्प आदमी हैं, बहुत ही अच्छी पसंद है आपकी। एक्सलेंट, इट्स ब्यूटीफुल। अरे तारा रारा रम पम्पा ये वो तुम्हारी चांद गाड़ी? नहीं नहीं वो दरअसल मैं उस दिन मिरिक चला गया था तो नो पार्किंग में गाड़ी पार्क कर दी तो खराई पुलिस आई और उठा के ले गई। अब साइकिल पे जा रहा हूँ छुड़वाने। सही बात है, आदमी छोड़ो तो ऐसे ही छोड़े, किसी के बाप के हाथ में ना आए।
लेकिन खैर छोड़ो, ये बताओ मेरा काम हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, वो मैंने कर दिया। ये भाई ये ना किसी चाय कॉफी में घोल के पिला देना, जो शख्स इसको पिलाएगा उससे उसको नफरत हो जाएगी। अबे जलालुद्दीन असगर, तेरी आशिकी का वक्त खत्म। अच्छा भाई, भाई पापा सुने, एक बात का खास आपने ख्याल रखना है, जो भी चाय में या कॉफी में घोल के उसको पिलाएगा ना, उसी से उसको नफरत होगी। उसी से होगा, मैं समझ गया, मैं समझ। अरे अरे अरे, मेरी टाइम ट्रेवलिंग फीस। अच्छा अच्छा, ये माफ करना यार, भूल गया था मैं। ये लो 20 रुपए, ये खलाई पुलिस के देने के काम आएगी, क्योंकि रिश्वत के रेट यहाँ बढ़े हैं, वहाँ नहीं। सी बात भी है यार ये। तारा बाबा तेरा तावीज काम आएगा अब। तारा बाबा जलाल, ओ जलाल। अरे आया भाई आया, क्या हो गया यार? यार जलाल वो तुम्हारी नाजो जी है ना, उन्होंने यार ये फरमाइश करके कॉफी बनवाई है। अब यार मुझे इतने काम है यार किचन में, और वो लड्डू भी गया है बाजार कुछ लेने के लिए। यार तुम जाके अपने हाथों से नाजो जी को ये कॉफी दे। हाँ हाँ क्यों नहीं, ये अगर मौका लगा ना पिला भी दूंगा मैं। अरे मजा आ जाएगा। अरे 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 अरे, ये क्या हो रहा है? जलाल भाई से काम करवा रहे हैं? असल में नाजो जी ने काफी बनवाई थी, तो मैं जरा ये हंडिया पक रही थी, मैंने कहा जल ना जाए, तो मैंने कहा तुम जाके दे आओ अपने हाथों से उनको। तो नाजो कौन सा 200 किलोमीटर दूर बैठी हुई है, है? जो आपके आते जाते हंडिया जल जाती। चलिए जाइए और जाकर खुद देकर आइए नाजो को कॉफी। नहीं नहीं, वो तो इन्होंने खुद ही कहा था कि मैं दे आऊंगा। अब नहीं नहीं नहीं, मैं क्यों नौकरों वाला काम करने लगा? अरे भाई वो तो तुमने कहा कि मजबूरी है, तो मैंने कहा ठीक है मैं दे देता हूँ। यार तुम भी यार जलाल, यार गुलाब, जाइए जाकर कॉफी खुद देकर आइए। ठीक है जी, ठीक है। हद हो गई काम चोरी की, माफ कीजिएगा जलाल भाई। इतनी बकवास कॉफी तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं पी। लेकिन नाजू जी, कॉफी तो सुसल जी ने अपने हाथों से बनाई थी, जिनके हाथों का खाना और गाजर का हलवा आपको बहुत लजीज लगा था। पागल हो गई थी मैं, दिमाग खराब हो गया था मैं। लेकिन अब मुझे होश आ गया, ना ही मैं इसके हाथ का बना हुआ कुछ खाऊंगी और ना ही पीऊंगी। देखे नाजू जी, कभी आप में और हम में भी करार था, आपको याद हो कि ना याद हो? गुलाम जी जी, बस बस बस, बहुत हो गया। मैं सारी दुनिया घूमता हूँ पर अकेला, मेरी बीवी को अमेरिका के अलावा कहीं और जाना ही नहीं है। लंदन, टर्की, पाकिस्तान, जहाँ भी गया मैंने अकेलापन महसूस किया। इसलिए आप सबके सामने मैंने फैसला किया है कि अपने तनहाई के साथी को चुन लूँ। वो कोई और नहीं है, वो नाजो जी। मगर भाई साहब, जब आपके बीवी बच्चों को पता चलेगा तो कोई मसला ना हो? अरे भाभी, उसको मेरी फिक्र ही कहाँ है। ये मेरी तन्हाई की सबसे बड़ी वजह जो है ना, मेरी बीवी है। जब से मैंने दादू जी को देखा है, मुझे दोबारा जीने का एहसास। मगर फिर भी भाई साहब, अब मामा प्लीज आप चुप रहिए, ये फैसला आप नाजो जी के हाथ में छोड़ दें। नाजो जी आप कुछ बोलिए ना। हनी ठीक कह रही है तानी, मैंने जब से इन्हें पहले दिन देखा था ना, मैं तो जब इससे इंस्पायर हूँ, इनसे बहुत भाग्य थे मुझे। मुबारक हो जी, मुबारक हो। जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। ठीक है तो फिर हम आज ही निकाह करते हैं। बस तो ठीक है भाई, जब ये दोनों राजी हैं तो हमें क्या इतराज है। लड्डू गुलाम चलें, निकाह की तैयारी शुरू करें। गुलाम चले ना ससुर जी, चले आ जाए, तैयारियां करनी है। मैं तैयारी करूं? ये कर रहा है तैयारी। चले, मुबारक हो नाजो, बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू तानी, थैंक यू सो मच। आई एम वेरी हैप्पी टुडे। सेम हियर, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। लड्डू ससुर जी काम करने दें। लड्डू जी, लड्डू
देख यार, वो आज तुझे एक मजलूम औरत को जालिम के जुल्म से बचाना है। कुछ अकल को हाथ मारे ससुर जी, मैं कोई पंजाबी फिल्मों को हीरो दिखता हूँ? कितने लोग आए हैं डरा क्यों रहा यार, तू पंजाबी फिल्मों का नहीं, इस घर का तो हीरो है ना यार। ससुर जी, फिर इस घर में कौन मजलूम है सिवाय मेरे और आपके, जिसको खतरा लाहक है? तू समझ नहीं रहा है, ये जलालुद्दीन असगर है ना, एक नंबर का दो नंबर। अरे ये नाजो की जिंदगी बर्बाद करने में तुला हुआ यार। क्या कह रहे हो ससुर जी आप? आपने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? यार मैंने तो खुद सबके सामने उसकी आंखों में चमक देखी चालबाजी की। अबे भाई बचपने से जानता हूँ मैं, बचपने से। यार कुछ कर, हम क्या कर सकते हैं छोड़ने? अबे क्या नहीं, तू सब कुछ कर सकता है भाई लड्डू। सही कह रहे हैं ससुर जी, अब आप देखें लड्डू के होते हुए वो नाजो के साथ कभी भी गलत नहीं कर सकता। देखें अब आप। नाजो जी, अगर तुम गुलाम की नहीं है तो फिर किसी की भी नहीं। जलालुद्दीन असगर, तेरे जाने का वक्त आ गया बाबू। ये ले, मर। अपने फोन के लिए मरा जा रहा है। यार मेरा बैलेंस। बैलेंस? अबे इतने से बैलेंस के लिए तो अपना इमोशनल बैलेंस क्यों खो रहा है? मत भूल ये फोन चोरी करके मैंने ही तुझे दिया। एहसान नहीं किया था, बदले में पैसे दिए थे मैंने। वो तो ठीक है, मगर ये समझना कि इस एहसान के बदले ये कुछ नेक काम में लग गए तेरे पैसे। देख लड्डू, जो तू वादा किया कर ना, वो वादा पूरा किया कर। हाँ मैं तुझे बहुत अच्छी तरह जानता हूँ डड्डू। चल निकल अब यहाँ से, मैं नहीं डरता तेरी धमकियों से। चल अभी तो जा रहा हूँ, लेकिन अगली बार छोड़ूंगा नहीं, ये बात याद रखियो। हाँ मैं भी देख लूंगा, जा। हाँ रखियो, छोड़ूंगा नहीं बाद में। भाई दुल्हन को बुला ले, हमें दूसरी जगह भी जाना है। काजी साहब, वो दुल्हन ना पार्लर गई है और वो लड्डू है ना, बस लेके आते ही होगा। भाई लड्डू बाद में मंगवा लीजिएगा, पहले दुल्हन को बुला ले, निकाह कर ले। काजी साहब मेरा मतलब वो वाला लड्डू नहीं, लड्डू मेरे शोहर का नाम है और वो बस आ रहे हैं। सब शुरू कीजिए, दुल्हन आ गई। आपको कबूल है? देख भाई सोच ले जलाल, एक बार फिर सोच ले, ये तू भाभी के साथ अच्छा नहीं कर रहा है, और वैसे भी तुझे हलीम बनाना भी नहीं आती अभी। यार कितनी बार बोलूं मैं, उस औरत से मुझे नफरत है, उसने मेरी जिंदगी जहन्नम बना दी। भाई साहब मुझे तो कबूल है, अब नाजो जी अब आप भी बोले ना मुझे कबूल है। मुझे कबूल नहीं है। मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी है नाशार, सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद। घर दामाद के घर दामाद, घर दामाद के घर दामाद।